हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम. सो गाइस, आज का व्लॉग कल के व्लॉग के आगे से ही शुरू होता है. तो यहाँ पे जितने भी बेड से कपड़े खाली किए थे उनको मैंने लॉबी पे लगा दिया. हस्बैंड धीरे धीरे बेड के पर्दे को नीचे लेके जाने में लगे हैं. बस जल्दी जल्दी में अपना काम किया ही था कि जो है एसी लगाने वाले भैया आ चुके हैं और हमारे घर का हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो गया है. तो ड्रिल करने से आप देख सकते हैं वहाँ पे ड्रिल कर रखा है और यहाँ पे पूरा मतलब गंदगी हो चुकी है. तो भैया के जाते ही फिर जो काम रहता है वो है सफाई का, और जो भी बेड थे उनको अभी नीचे लेके जाना है, नीचे वाले को ऊपर लेके आना है. तो अभी एसी लगी नहीं है. भैया शाम को 3 बजे के करीब और आएंगे दोबारा, क्योंकि काम अभी हुआ नहीं है. एसी का जो पाइप है ना गाइस, वो छोटा पड़ गया. इसके बाद फिर आ चुके हैं हम नीचे वाले घर में, और नीचे ये बेड है गाइस. मैंने बताया था नीचे का ऊपर जाएगा, ऊपर का नीचे आएगा. इस रूम पे सिंगल बेड रहता है, तो यहाँ पे अब डबल बेड लगेगा. तो उस बेड को खोल के उसके उसमें थे बिस्तर, सारे बिस्तर बाहर निकाल दिए हैं, और यहाँ पे हस्बैंड झाड़ू लगा के साफ़ सुथरा कर ले रहे हैं. अब बारी है फटाफट से लगाने की. तो इस काम में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा. 4 बेड खोले हैं, तो चारों को उनकी जगह पे दोबारा अलग अलग जगह पे लगाना था, जिसमें बहुत टाइम लग गया था. पूरा दिन हमारा इसमें लग गया था. इसके बाद फिर ये जो 2 बेड आपने हमेशा ऊपर देखे हैं, ये 2 बेड नीचे आ चुके हैं इस वाले रूम के, क्योंकि ये कमरा हमारा खाली रहता है, इसको कोई नहीं रहता है. तो हमने कहा चलिए गर्मियों में यहाँ सोने के लिए बढ़िया हो जाएगा ना, क्योंकि नीचे वाले कमरे में 2 मंजिले में गर्मी होती है, बट नीचे का जो है सही होता है सोने में. तो यहाँ पे हमने दोनों बेड लगाने में लगे हैं, हालत ख़राब हो चुकी है. और इसके बाद फिर हम आ गए हैं ऊपर. तो ये जो नीचे वाला बेड अभी हम खोल रहे थे, इसको हम लेके आ गए हैं ऊपर और यहाँ पे इस वाले रूम पे लगा रहे हैं. और इस वाले रूम पे आपने डबल बेड देखा था, वो दूसरे वाले रूम पे जा चुका है. अभी हम वहाँ भी लगाएंगे उसको. तो पहले इसको लगा के जितनी भी स्पेस है उसको खाली कर देते हैं. सब जगह बेड के उर्जे पुर्जे ही दिखने में लगे हैं. तो हम दोनों जने लगे हुए हैं, वहाँ का नीचे करके आ चुके हैं, खाली बेड लगाने का काम कर रखा है. फिर इनको लगा के फटाफट से जो भी कपड़े थे दोनों जने मिलके तय करके कपड़े लगा लेंगे. तो यहाँ पे ये वाले बेड को लगा लिया था. सिंगल बेड लगने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जो डबल वाला बेड होता ना उसमें दिक्कत होती है, बार बार उसकी पलाई नीचे गिर जा रही थी. और इनके जो पुर्जे हैं, जो जिसके हैं उसको उसी में ही लगाना पड़ रहा था, मतलब इधर का उधर हो जाए तो वो लगेगा ही नहीं. और इतनी मेहनत कर रहे थे मेरे हस्बैंड, मतलब उनके हाथों में ना इतनी चोट लग गई थी, बिल्कुल हाथ छिल गए थे, तो मुझे दिखाने में लगे. ये काम भी फिर हो गया था. वीडियो मैंने बीच बीच में से बनाई है, क्योंकि मेरे फ़ोन में भी चार्ज ख़त्म हो गया था. और इसके बाद फिर फटाफट से एक पुरानी चादर बिछाई, जितने कपड़े तय करे सारे, और उसको उनकी जगह पे लगा दिया. अब आ चुके हैं हम इधर वाले रूम पे. जो उधर का बेड था डबल, वो इधर आ चुका है, क्योंकि इस रूम पे लगेगी एसी, 2 विंडो है, तो ये कमरा थोड़ा सा अच्छा रहेगा. इसलिए हमने कहा चलिए इस बेड को इसमें लगा लेते हैं, डबल वाले को. इसकी प्लाई बार बार गिर जा रही थी, इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगा. फाइनली गए, सारे बेड लग चुके थे, कपड़े बेड के अंदर चले गए थे, सबको फटाफट समेटा. लॉबी पे कितना सामान बिखरा हुआ था उसको सारे बेड के अंदर डाले, जो बेकार थे उनको फेंका. और मेरी यहाँ पे सफाई शुरू हो चुकी है. तो मैं कर रही थी अंदर ऊपर कमरे की सफाई, हस्बैंड कर रहे थे बाहर की सफाई. और टाइम भी बहुत हो चुका था, अंशु स्कूल से आ गया था. इसी बीच में मैंने दाल चढ़ा दी थी, चावल भिगोने के लिए रख दिया था. मैंने कहा फिर टाइम हो जाएगा, इसके बाद चलते हैं बाहर. कोई बात नहीं, गमले के वो वहाँ देखो, वो हाँ वो वहाँ पे मार दो. इतनी गंदी धूल, बाप रे. हो गया बेटा, 3 बजने वाले हैं. तो गाइस, पूरे घर की सफाई कर ली थी दोनों जने ने मिलके फटाफट, और हमें बच गया था 3. और इसी बीच में फिर चावल चढ़ा लिया था. मैं नहा धो के आ चुकी हूँ. फिर से जैसे ही नहा धो के आई, एसी वाले भैया आ गए थे. उनको आधा घंटा लगा छत में, मतलब वो जो लगाते हैं उसका पाइप वाइप जो भी, मतलब बाहर ही काम था, अंदर का कुछ काम नहीं था, इसलिए सफाई कर ली थी. और फिर मैंने सारे चादर जो भी मेरे कपड़े बचे हुए थे उनके मतलब वो काम करने तक मैंने कपड़े भी धुले. एक बार मैं सोची थी सुबह धोऊंगी, फिर मैंने कहा यार इसको निपटा ही लेते हैं. तो सब कुछ साफ सुथरा हो चुका है, फ्लोर भी सूख गया है, आप देख सकते हैं. अब जाके थोड़ी सी राहत मिल गई है, यहाँ का भी बहुत बुरा हाल था, मिट्टी मिट्टी पानी पानी यही हो रखा था. तो फिर अब बारी है
जो है कपड़े में टांग देती हूँ। घर हो चुका है बिल्कुल क्लीन साफ सुथरा। कितने सारे फूल खिले हैं और ये ना सच में इतना प्यारा लग रहा है, मैं क्या बताऊँ। क्योंकि ये देखिए इसमें कली अभी भी बहुत सारी बची हुई हैं, मतलब कितनी सारी कलियाँ तो गिर चुकी हैं। अगर इसमें इकट्ठे एक साथ फूल और आएंगे ना गाइस, तो ये और ज़्यादा सुंदर लगेगा। तेज़ धूप लग रही है और टाइम भी बहुत हो चुका है। ये पौधा मैं वहीं से ही लेके आई हूँ, आंटी ने दिया है ये वाला पौधा, और ये पौधा भाई के वहाँ से लेके आई थी। इसके पत्ते ख़राब हो गए थे तो मैं कैंची से, धूप बहुत तेज़ है ना तो डर लग रहा है मुझे कहीं बेकार ना हो जाए। सो गाइस, मैंने कहा चलिए अभी तक आपको पूरा घर बिखरा गंदा दिख रहा था, तो अब आपको दिखाते हैं साफ़ सुथरा। तो बड़ी मेहनत लगी इसे साफ़ सुथरा करने में और घर हो चुका है बिल्कुल साफ़ सुथरा, देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो चलिए दिखाते हैं आपको रूम कि कैसा लग रहा है बेड को चेंज करने के बाद, कितना स्पेस बच रहा है। तो सबसे पहले इस वाले रूम से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रहता था डबल वाला बेड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल जो नीचे था वो यहाँ आ चुका है। और स्पेस देखिए गाइस, बहुत स्पेस यहाँ पे बच रहा है। नीचे के कमरे मैंने बताया ना थोड़े से बड़े हैं, ऊपर हमने चारों तरफ से जगह छोड़ रखी है, इसीलिए जो है कमरे नीचे के मुताबिक छोटे हैं। बट अब जाके खुला खुला लग रहा है और गर्मियों के दिनों में तो खुला खुला ही अच्छा लगता है। ज़्यादा सामान अगर घर में हो तो सफाई करने में भी दिक्कत होती है। तो इधर साइड से जब डबल वाला बेड लगता था तो आप देख सकते हैं कितना स्पेस रहता था और अभी कितना है। तो पूरे घर में धूल मिट्टी सब कुछ हो चुका था और फिर घिस घिस के जो है फ्लोर की सफाई कर ली। अब चलते हैं इस वाले रूम पे जहाँ पे हमने डबल बेड लगाया है। तो यहाँ पे दो बेड रहते थे, उसको हटा के हमने एक लगा दिया है बेड, वो भी डबल वाला। आप देख सकते हैं इस पे अब कितना स्पेस बच रहा था। जब दो लगाओ ना तो ये और जगह ले रहा था, और यहाँ पे जब एक ही बेड लगाया हमने डबल वाला तो इतना स्पेस बच रहा है। इधर साइड से झाड़ू पोछा करने के लिए भी सही रहेगा। तो आप देख सकते हैं रूम कितना प्यारा लग रहा है। इस रूम की मैंने चादर चेंज नहीं करी है क्योंकि इसमें कोई रहता नहीं था, इसलिए मैंने कहा इसको मैं बाद में करूँगी। बाकी सारे चादर मैंने धो दिए हैं। रूम दिखने में इतना प्यारा लग रहा है, चेंज लग रहा है। कभी कभी बदलाव ज़रूरी है क्योंकि अच्छा लगता है ना, कुछ नया सा लगता है। तो बहुत स्पेस है, काम करने में भी अच्छा लगेगा। और बस ये वाला रूम तो हो ही चुका है। लॉबी की यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर रखा है, बट मैं आपको यहाँ थोड़ा साफ़ सुथरा कर रखा है वो दिखा रही। और बहुत सारे कमेंट आते थे अब अपना घर भी दिखाइएगा, इसलिए मैंने कहा चलिए दिखा देती। थोड़ा सा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको मैंने हटाया नहीं, बाद में हटाएंगे। और ये है हमारी लॉबी, इतनी ही लॉबी नीचे है, यानी नीचे की लॉबी के बराबर ऊपर की लॉबी है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर भी हो चुका है बिल्कुल क्लीन। सो गाइस यही था, और बहुत लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो रहा था कि मैंने घर जो है चेंज कर लिया है। तो ये मेरा खुद का घर है और जहाँ मैं गई थी वो मेरे भाई का घर था। मैं थोड़ा सा सामान लेने के लिए गई थी वहाँ और सफाई करने के लिए गई थी। तो एक कमेंट और आ रहा था, दी आपके कितने घर हैं? तो मैंने बताया कि दो हैं, एक तो जहाँ हमारा मेन घर है यानी गाँव में, और एक ये घर है। और यहाँ भी नीचे भी है ऊपर भी है। नीचे वाला हमने रेंट पर दे रखा है और ऊपर वाला आप देख ही रहे हैं अभी। इसके बाद गई शाम के बज चुके थे, 5:30 बज चुके थे, और दोपहर में ज़्यादा टाइम तो मिला नहीं आराम करने का, आधा एक घंटा बस ऐसे ही हम लोग थोड़ी देर आराम कर लिया था। बज रहे हैं, थकान हो गई थी बहुत। अब मैं बना रही हूँ लस्सी, तो मट्ठा आया था कहीं से ही बिल्कुल फ्रेश घर का, तो हमने कहा चलिए शाम के टाइम में चाय ना पी के जो है लस्सी बना लेते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा 2-3 चम्मच चीनी डाल दिया है और तीनों के लिए 3 गिलास जो है लस्सी बना लिया गया। इस अब थोड़ी देर आराम से पंखे के नीचे बैठ के ठंडी सांस लेके ठंडी ठंडी लस्सी पीते हैं। तो किसे किसे पसंद है आइए आप लोग भी पी लीजिए। तो चलते हैं रूम पे, वहीं आराम से पियेंगे। और बहुत सारे कमेंट आया था, दी आप हमारा नाम लीजिए। तो नाम मैं सभी का लूँगी जिन जिन ने किया है, बट अभी थोड़ा सा इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो बस यही कहना था। और हम तीनों जने यहाँ पे बस आराम से ठंडी ठंडी लस्सी पी रहे हैं, और इसके बाद फिर मैं अपने बाकी के काम करूँगी, यानी जो है शाम का काम टाइम पे कर दूँगी, खाना पीना बनाना, क्योंकि आज हम थोड़ा थक गए हैं। और हस्बैंड का प्लान भी हो रहा है कहीं जाने का, वो मैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो थोड़ा हमने दोपहर में फिर आराम कर लिया था, एक घंटा ज़्यादा तो मिला नहीं टाइम। और इसके बाद और गाइस ये है एसी जो कि अपनी जगह पे फिट हो चुकी है।
अभी ऑन ही रह जाएगा, फट जाएगा उधर। अंशु पी पहले लस्सी, नहीं पी रहा तो मुझे दे। पक्का पिएगा? पानी जब फ्रिज में ले लेना। पी रहा है इसको पूरा, मैं लेके जाऊँ ग्लास, फिर किचन में रखने के लिए आ जाना। और ये आप घड़ी का चार्जर वहाँ रख। पी ले यार, फटाफट दे देना यार, जबरदस्ती का इसको पिलाना पड़ता है। मत कर यार अनु, पढ़ ले। चार्जर वहां लगा, पापा देखेंगे ना फिर डांट खाएगा देखना। ले आऊंगा। यही नौटंकी रहती है इसकी। सो गाइस, इसके बाद आज खाना भी मैंने थोड़ा सा टाइम पे बना दिया था, और फिर अब बारी थी खाना लगाने की, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा घी निकाल दिया है, थोड़ी ताकत आएगी इसलिए। मजाक कर रही हूँ, वैसे ही खाने के मतलब कभी कभी रोटी में लगाने का मन करता है ना। तो खाने में मैंने बनाया है आलू टमाटर की सब्जी है, थोड़ी सी दाल है, और हस्बैंड जी ने बनाया था रायता। तो बस खाना बन ही चुका है, मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया, तो मैं इसको बाहर रख कर आती हूँ। रायता बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ था, आप देख सकते हैं जो खीरे वाला रायता होता है ना वो बना है। तो प्लेट मैं बाहर धीरे धीरे लेकर आती हूँ, और थोड़ी सी और रोटी है उसमें भी घी लगा लेती हूँ। तो गाइस आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं, और आज की वीडियो भी यहीं पे समाप्त हो जाएगी। फिर मिलेंगे एक नए दिन नई वीडियो के साथ। तो प्लीज़ ख्याल रखिए अपना अपनों का। गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर। आप लोग भी खा लीजिएगा इस खाना। बाय।